नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? बहुत अच्छा लगता है जब आप ऑनलाइन आते हो, कमेंट करते हो। आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा वीडियो लेकर आया हूं जिसमें हम पढ़ेंगे आठ के ठाट। सबसे अलग अंदाज अपना, उसी के अनुसार पढ़ते हैं। देखो, आठ देशों से ग्रीनविच रेखा गुजरती है। आठ देशों से ग्रीनविच रेखा गुजरती है, जिसमें सभी बातें जो भी बताऊंगा उनमें सब में क्या होगा, आठ का ठाट ही ठाट है आज। ठीक है, आठ देशों में से। अब गुरुजी, आठ देश किसा है बताऊंगा एक बार, रुको। आठ राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा गुजरती है। आप नोटबुक साथ में रखिए और नोट्स बना ले, कुछ चीजें आज आप ही को बतानी है। आठ राज्य यूपी से सीमा बनाते हैं। राजस्थान में पाली को छूते हैं, यानी उसके साथ सीमा बनाते हैं। और आठ ही ऐसे जिले हैं जो न तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं न ही अंतर्राज्यीय। तो वो कौन सा जिला हुआ गुरुजी? अंतर्वर्ती हुआ भाई। आठ कौन से हो गए? अंतर्वर्ती। अब अपने बात करते हैं इनके बारे में। देखो, आठ देशों से ग्रीनविच रेखा किसा किसा गुजरा है। ग्रेट ब्रिटेन लिख लो। कौन सा है? ग्रेट ब्रिटेन, स्पेन, फ्रांस, अल्जीरिया, टोगा, घाना, माली। साहब कौन दिख रहे होगे? देखो अभी। ठीक है, तो यहां पर नोट कर लीजिए आप, ग्रेट ब्रिटेन, स्पेन, टोगा, फ्रांस, घाना, अल्जीरिया, माली। कितना हो गया? मन्ने भी ध्यान है, सात होया है। आठ वहां बै से शुरू होता है और वो आपको बताना है कमेंट करके। तो सारो काम मैं थोड़ी करूंगा, मैंने थे भी करूं। आठ राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। सभी को पता है ट्रिक कौन सी है, राम झाके छह बंगू मित्र है। ठीक है, वो आप नोट कर लीजिए, मैं बता रहा हूं आपको। राम झाके छह बंगू मित्र है। कौन कौन से हो गए? राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, त्रिपुरा और गुजरात। कितने हो गए? आठ हो गए ना। तो ये क्या है, इसके साथ आप ये याद कर सकते हो। अब आठ राज्यों से कर्क रेखा गुजर गई, बिल्कुल गुजर गई गुरुजी। तो आठ राज्यों से यूपी सीमा बनाता है वो कौन से हैं? यूपी, मान लीजिए ये यूपी है। क्या है? यूपी। इधर हमने बनाया राजस्थान। क्या बनाया? राजस्थान। फिर हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और मध्य प्रदेश। यानी उत्तर प्रदेश राज्य के साथ कितने राज्य सीमा बना रहे हैं भाई? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। क्यों आ रहा नहीं ठाट? बहुत सारी चीजें आज एक साथ ही। 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस होता है, 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस होता है, 8 सितंबर को साक्षरता दिवस होता है, 8 मई को विश्व रेडक्रॉस दिवस होता है। तो वो सारी बातें आज अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक बार मैं आपको दोबारा बाद में फिर बताऊंगा, ये तो ट्रेलर है, आप इसको पूरा ध्यान से देखना। आज आठ का ठाट ये उतार लिया होगा जी, बिल्कुल। आठ राज्यों से यूपी सीमा बनाते हैं, आठ जिले पाली को छूते हैं। अब अपने बात करते हैं राजस्थान के वह आठ जिले जो किसी के साथ भी सीमा नहीं बनाते, यानी अंतर्वर्ती जिले। अंतर्वर्ती जिलों में पढ़ेंगे दो राजा आप ना मिले, दो राजा आप ना मिले जिनका नाम था जोधा बूटा। क्या नाम था? जोधा और बूटा। अंतर्वर्ती जिलों की ट्रिक है ये कि दो राजा आप ना मिलिया, मारूं दो राजा कौन मिलिया, कौन सा जोधा और बूटा।
देखो दोसा, रासमंद, अजमेर, पाली, नागौर, जोधपुर, बूंदी और टोंक। दो राजा आप ना मिले, जोधा और बूटा, कितने हो गए? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ। आठ हो गया। और आगे बात करा, नोट करते जाओ आप। आठ, अब बात करते हैं अपने, देखो अष्ट छाप कवियों की मंडली, अष्ट छाप कवियों की मंडली, वल्भाचार्य, वल्भाचार्य गुरु जी, अष्ट छाप दिग्गज भी सुनिया हमें, बिल्कुल अष्ट छाप दिग्गज थे, यानी बहुत बड़े विद्वान थे अष्ट छाप। वो किसके दरबार में थे अष्ट छाप दिग्गज यानी विद्वान? कृष्ण देवराय के, कृष्ण देवराय के। कौन कौन सा गुरु जी? रामचंद्र था, ठीक है, भट्टमूर्ति था, तेनालीरामा था, मल्लन था, बाकी आप बताओगे, कमेंट करते रहो साथ साथ में, देख रहा हूं। और अष्ट प्रधान जो प्रशासन था वो किसके था दरबार में? शिवाजी, छत्रपति शिवाजी, 1627 में जिनका जन्म हुआ था, छत्रपति शिवाजी। इन्होंने ही तो मुगलों के नाक में नकेल कस दी थी, ठीक है, पहले व्यक्ति जिन्होंने हिंदू धर्मोद्धारक की उपाधि धारण की थी, छत्रपति शिवाजी। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जो कहां पर है? मुंबई के अंदर है, ठीक है। इनके बारे में पूरा डिटेल से मैं एक दिन वीडियो बना के बताऊंगा आप लोगों को। छत्रपति शिवाजी जो है, इनके पास में अष्ट प्रधान जो प्रशासन, जिसमें जैसे नाम आता है पेशवा, अमात्य मजूमदार, सुमंत, दबीर जिसे बोलते थे, या एक न्यायाधीश होता था। न्यायाधीश वो होता था जैसे राजा के अनुपस्थिति में या राजा के अलावा जो न्याय करने वाला। एक धर्माधिकारी होता था पंडित राव, एक सचिव रखा हुआ था, एक मेन भूल ही गया पेशवा, ठीक है, वो किसके थे? अष्ट प्रधान प्रशासन में आते थे। उसके बाद में बात करते हैं अष्ट धातु निर्मित तोप। गुरुजी अघट है अष्ट धातु निर्मित तोप, ये अपने खंडार किला है राजस्थान में, खंडार किला जो है सवाई माधोपुर में, कहां पर है? सवाई माधोपुर में, कहां पर है? सवाई माधोपुर में। और एक अष्ट धातु निर्मित दरवाजा भी था, अष्ट धातु निर्मित दरवाजा। गुरुजी अष्ट धातु निर्मित दरवाजा घट है, बिल्कुल, पहले ये था चित्तौड़ दुर्ग में, कहां था? चित्तौड़ दुर्ग में। चित्तौड़ दुर्ग के बाद में ये चला गया दिल्ली, और दिल्ली से इसको लेकर आए थे जवाहर सिंह। कौन लेकर आए? जवाहर सिंह भरतपुर के शासक थे, 1765 ईस्वी में लेकर आए थे। और इसको कहां लगा दिया गुरुजी? वर्तमान में लोहागढ़ किले में। लोहागढ़ किला गुरुजी ओ खटा है भरतपुर में है, भरतपुर वाले कमेंट करके बताएं, लोहागढ़ किला भरतपुर में है। इस पर क्या है, एक बार लोहागढ़ किला है, इस पर 1805 ईस्वी में जनरल लेक ने 5 बार आक्रमण किया, जनरल लेक ने, और वो हर बार असफल रहा, क्योंकि इसके बाहर एक परकोटा बना हुआ है। परकोटा है जिसको मिट्टी का किला इसको बोलते हैं, लोहागढ़ को। उसमें क्या है कि दुश्मन सेना जैसे ही आक्रमण करती थी उनके गोले मिट्टी में धस जाता, क्योंकि भी पानी आ गया सुजान गंगा को, ठीक है। तो यहां कारण क्या है कि एक कहावत प्रसिद्ध हुई, हट जारा गोरा राज भरतपुर को, आठ फिरंगी नौ गोरा, लड़े जाट का दो छोरा। कमेंट करके बताओ भाई दो छोरा कौन सा है दुर्गों में, मैं आपको बताऊंगा। और वीडियो टेस्ट सीरीज डाली हुई है, उसमें मैंने ये उत्तर बता रखा है, तो आप उनको देखिए। पटवार और राजस्थान पुलिस की शायद 45 टेस्ट सीरीज है, और उनके साथ ही पूरा राजस्थान जी के कवर हो जाएगा। तो अष्ट धातु निर्मित दरवाजा हो गया, अष्ट धातु निर्मित तोप हो गई, अष्ट प्रधान प्रशासन हो गया, अष्ट छाप दिग्गज हो गए, अष्ट छाप कवियों की मंडली हो गई, ठीक है। अभी और बात करते हैं, और ये वीडियो आपका आज के दिन में पूरे राजस्थान के सभी जिलों में पहुंच जाना चाहिए, कि आपको एक अलग ही कंटेंट मिल रहा है जो सबसे अलग है। अपने बात करते हैं गुरु जी, आज थे बताई कि आठवीं अनुसूची जो थी, आठवीं अनुसूची जो है
उस आठवीं अनुसूची में जब मूल संविधान बना था तो कितनी भाषाएं थी? आठ ही भाषाएं थी, आठ भाषाएं थी, सॉरी आठवीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है। किनका उल्लेख है? भाषाओं का उल्लेख है, भाषाओं का उल्लेख है, आठवीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है। और उसके बाद में अपने वर्तमान में पढ़ते हैं भाग आठ, कौन सा भाग आठ, कई कंफ्यूज हो रहे हैं, अरे जो दमनद्वीप और दादर नगर हवेली है उनको मिला दिया गया है, तो भाग आठ में आठ ही केंद्र शासित प्रदेश है, आठ ही केंद्र शासित प्रदेश है। और दोस्तों एक बात बताना भूल गया मैं आपको, कि एक फोन आया और उसने कहा कि मैं आपकी वीडियो ऑनलाइन करवाऊंगा, ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूं कि आपको अच्छा लगे तो ही आप लाइक करो, अगर अच्छा नहीं लगता तो आप अनलाइक कर दीजिए बेशक, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जितने लोग देखते हो आप उतने लाइक करो, ताकि मैं उसको चैलेंज कर सकूं कि देख उंगली उठाने वाले कितने भी हो लेकिन साथ देने वाले मेरे साथ हैं, ठीक है। भाग कितने? आठ, आठ ही केंद्र शासित प्रदेश है। और जब सुप्रीम कोर्ट का गठन हुआ, ओ प्रसन्न थे बताओगा नारायण जी पढ़ाना रहे थन पूरी पॉलिटिकल, सुप्रीम कोर्ट का गठन हुआ उसमें सात न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश थे, सात रे कितना हुए? बिल्कुल आठ हुए, ठीक है, ये ध्यान रखना। फिर अपने बात करते हैं, देखो भाद्रपद कृष्ण अष्टमी, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी, या बात करें भाद्रपद शुक्ल अष्टमी, भाद्रपद शुक्ल अष्टमी, और ये सारी जानकारी मैं आपको लिखकर भी भेज दूंगा जो टेलीग्राम पर जुड़े हुए हैं। भाद्रपद कृष्णाष्टमी और भाद्रपद शुक्ल अष्टमी, आठ आ रहा है ना। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन जाम्बोजी का जन्म हुआ था, किसका जन्म हुआ था? जाम्बोजी का, लेकिन उनको विष्णु का अवतार मानते हैं विष्णु संप्रदाय के लोग, कृष्ण का अवतार भी माना जाता है। भाद्रपद कृष्णाष्टमी को कृष्ण जी का जन्म ही हुआ था, इस दिन लगता है नरहर पीर का उर्स, किनका उर्स लगता है? नरहर पीर का उर्स, शक्कर बाबा जिन्हें कहते हैं, चिड़ावा में उनका मेला भरता है, उर्स लगता है, जो उर्स का शाब्दिक अर्थ मिलन होता है। भाद्रपद शुक्ल अष्टमी, जिस दिन राधा अष्टमी होती है उस दिन कनफटे नाथों का तीर्थ स्थल भरथरी मेला, वहां मेला भरता है। और यहीं से एक प्रश्न और याद आ गया कि अलवर का नाम लिया है, वहां पर एक चंद्र प्रभु जी का भी मंदिर है, तो आठवें ही तीर्थंकर कौन थे? आठवें तीर्थंकर, गुरु जी बहुत बढ़िया प्रश्न है, तो आठवें तीर्थंकर को पता चल गयो, चंद्र प्रभु जी, चंद्र प्रभु जी। और इनका मंदिर या बना हुआ है वो कहां है? तिजारा अलवर में है, तिजारा अलवर में। अब जिले का नाम आया तो आपको बता देता हूं मैं, RJ08 बूंदी का नंबर है, ठीक है, और NH8 सबसे व्यस्ततम राजमार्ग, NH8 का नया नाम 4852 NH8 उर्जी खटूम स्टार्ट हुआ NH8, देखो डूंगरपुर उदयपुर रासमंद अजमेर जयपुर अलवर NH8। नारायण जी ने आपको पढ़ाए उद्योग, मैं देखता हूँ रोज उनकी क्लासें, तो आपको मैं ये बता रहा हूँ कि उन्होंने एक बताया EPIP हुआ है कोई, वो EPIP के हुआ है, वो थे बताओ कि कौन सो EPIP है जो NH8 पर है, ये नारायण जी का वीडियो में बताया हुआ है, और जियोग्राफी में बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया। दूसरा इस पर एक क्या बोलते हैं चलता फिरता ट्रोमा हॉस्पिटल भी स्थित है, ठीक है। तो बाकी अपने NH8 के बारे में परिवहन का जल्दी नया वीडियो आएगा, आपको मैं बता रहा हूँ बार बार कि आप लगातार वीडियो देखते रहें, आपको अच्छा लगे तो औरों तक ये जानकारी पहुंचाएं, तो कि अपने साथ बड़ा परिवार जैसे ही बनेगा तो मैं फिर लाइव क्लास जो जैसे रोजाना अभी आ रही है उसी तरह एक अच्छे डिजिटल बोर्ड पर भी शुरू कर देंगे, ठीक है। अब अपने आगे बढ़ते हैं, देखो भौगोलिक चिन्हीकरण के आधार पर अब थैया ना सोचे गुरु जी, आठ और चार 84 खंभों की छतरी बूंदी के अंदर है, 80 खंभों की छतरी, मैं सिर्फ आठ आठ की बातें बता रहा हूं आपको। भौगोलिक चिन्हीकरण के आधार पर आठ कलाएं शामिल हुई है, आठ कलाएं
राजस्थान की जो हस्तकला जो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ उसका फर्स्ट पार्ट आया, नया पार्ट जल्दी आएगा। आठ कलाएं कौन कौन सी है गुरुजी? देखो, थेवा कला, ब्लू पोटरी, उसके बाद में अपने बात करें यहां पर थेवा कला, ब्लू पोटरी, उसके बाद में सांगानेरी प्रिंट, मकराना मार्बल, उसके अलावा बात करते हैं मकराना मार्बल के कठपुतली के अलावा यहाँ बात करते हैं अपने टेरिकोटा, बीकानेरी भुजिया, कोटा की साड़ी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आठ हो गए। थेवा कला नाथू जी सोनी प्रवर्तक है। एक खास बात है थेवा कला की, इनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेन का में शामिल है। हाल ही में महेश सोनी को 2015 में पद्मश्री पुरस्कार मिला था। ग्रीश कुमार सोनी भी इसके कलाकार रह चुके हैं। सावन सिंह के समय प्रतापगढ़ जिले में शुरू हुई थी। अब यह थेवा कला जो है ये बेल्जियम कांच पर की जाती है, यानी कांच के ऊपर सोने का कार्य। अब ये जो थेवा कला है इसकी एक खास बात की है, आ कला में आपकी लुगाई ने भी कौन सिखावे, आपकी छोरी ने भी कौन सिखावे। ये सिर्फ एक पुरुष प्रधान ही कला है, पीढ़ी दर पीढ़ी वो व्यक्ति द्वारा सीखी जा रही है। ब्लू पोटरी कला, एक कलाकार हो कृपाल सिंह, वीडियो के अंदर मैंने पहले बताया है, जिसने अपने भूर सिंह शेखावत गुरु से सीखी थी। 25 रंगों का प्रयोग कर दिया था। कितना रंगा? 25 रंगों का प्रयोग। सांगानेरी प्रिंट बिल्कुल आपको बताया है। मकराना मार्बल पूरे भारत में प्रसिद्ध है। कठपुतली उदयपुर की प्रसिद्ध है, अरडू की लकड़ी से बनाई जाती है। गुरुजी बीड़ी क्यों बनाई जाए? पहला आप पूछो थे तो बीड़ी है नहीं, बीड़ी बता चला। बीड़ी बनाई जाती है तेंदू की लकड़ी से। मयूर बीड़ी उद्योग, नंदलाल तिवारी, टोंक जिला। बीकानेरी भुजिया महाराजा डूंगर सिंह के समय शुरू। कोटा की साड़ियां, कैथून कोटा की साड़ियां पूरे भारत में प्रसिद्ध है। वर्तमान में श्रीमती जिनेब की साड़ियां दिगोद कोटा की प्रसिद्ध है। मसूरिया साड़ियां झाला जालिम सिंह के समय, अहमद मसूर आया था उसके समय की प्रसिद्ध है। टेरिकोटा क्या होता है कि जो मिट्टी होती है उसको पकाकर जो मूर्तियां वगैरह जो पोटरी में आती है ना उसके अंदर इसको शामिल करते हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। आठ खंभों की छतरी, एक तो है बांडोली उदयपुर, और आठ खंभों की छतरी एक है मांडलगढ़ में, और मांडलगढ़ खटे है भीलवाड़ा में है। मांडलगढ़ कहां पर है? भीलवाड़ा में है। जो आठ खंभों की छतरी है बांडोली उदयपुर में, यह है महाराणा प्रताप की। किसकी है? महाराणा प्रताप की। और मांडलगढ़ भीलवाड़ा में है वो है राणा सांगा की, जिसे सैनिकों का भग्नावशेष कहा जाता है। महाराणा प्रताप के बचपन का नाम क्या था? जो भील जनजाति में छोटे बच्चा न कहे कमेंट करके बताओ। राणा सांगा सैनिकों का भग्नावशेष कहलाता है। जब राणा सांगा का राज्याभिषेक हुआ तब दिल्ली का राजा सिकंदर लोदी था। वो सिकंदर लोदी जिसने शहर आगरा बसाया था, राजधानी आगरा को बनाया था और 500 बीघा जमीन दी थी जसनाथ जी को। वो सिकंदर लोदी जिसने जाम्बोजी से प्रभावित होकर गो हत्या पर प्रतिबंध लगाया था। वो सिकंदर लोदी जो गुलरुखी नाम से कविताएं लिखा करता था फारसी में। वो सिकंदर लोदी जिसका बचपन का नाम निजाम शाह था। वो सिकंदर लोदी जिसकी माता एक सुनार महिला थी। वो सिकंदर लोदी जो बहलोल लोदी के बाद में गद्दी पर बैठा था। वो सिकंदर लोदी जो इब्राहिम लोदी से पहले गद्दी पर बैठा था। तो ये बातें भी आप ध्यान रख लेना। एक अपने आठ की बात कर रहे थे। आठ का एक विभाजकता का नियम होता है। विभाजकता का नियम क्या होता है? जैसे 293, 120, इसकी जो लास्ट वाली जो इकाई था सैकड़ा वाली जो संख्या होती है, अगर इसमें आठ का भाग जाता है तो ये आ जाएगा 15 आ जाएगा यहां पर, क्योंकि 8 एकम 8 4 बच गए, 8 5 40। ठीक है, तो बाकी जो
संख्या उसमें भी पूरा किसका भाग जाएगा, आठ का ही भाग जाता है। ठीक है, तो आगे बात करते हैं अपने। देखो 8 मार्च, 8 मई, 8 जून, 8 सितंबर, 8 अक्टूबर और 8 दिख रहा है ना आप, चलो तो बता देंगे। 8 मार्च को होता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। 8 मई विश्व रेड क्रॉस दिवस, इस दिन एक व्यक्ति का जन्म हुआ था भाई 1828 में 8 मई को, भी व्यक्ति को नाम बताओ की है, कौन ध्यान के था ना? उस व्यक्ति का नाम बताओ, मैं सोच रहा हूँ आपको फिर बताता हूँ। ठीक है, 8 जून को होता है विश्व महासागर दिवस, 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस, विश्व साक्षरता दिवस, 8 अक्टूबर को विश्व नहीं भारतीय वायुसेना दिवस, भारतीय वायु सेना दिवस, क्या होता है भारतीय वायु सेना दिवस। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो होता है वो श्रीमती वसुंधरा राजे जो पूर्व मुख्यमंत्री थी उनके जन्मदिन पर आता है 8 मार्च को। और प्रश्न एक अभी और बता रहा था मैं आपको, इसका विश्व रेड क्रॉस दिवस जो है इसका एक जीन दुनौती दुनौती है उनके बारे में है। ठीक है, उनके बारे में आपको बताएंगे। और क्या बता रहा था 8 तारीख को, हाँ 8 अप्रैल को मंगल पांडे को फांसी दी गई थी, आप कमेंट करके बताइए उसका क्या है। ठीक है, 8 अप्रैल को मंगल पांडे को फांसी, मंगल पांडे को फांसी, मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी भाई, 8 अप्रैल को दी गई थी। 8 अप्रैल को उसने नारा दिया था, 2 व्यक्तियों के सिर काट दिए थे 29 मार्च 1857 को। ठीक है, 8 अप्रैल को मंगल पांडे को जो फांसी दी गई थी, टाइम कितने का, 22:44 का, चलो ठीक है अभी वीडियो और बन जाएगा, पानी। तो 8 अप्रैल को मंगल पांडे को फांसी दी गई थी और उसने नारा दिया था मारो फिरंगी का। तो आप ये बताओ कि चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा किसने दिया है। 8 सितंबर भिथोड़ा का युद्ध, भिथोड़ा का युद्ध 8 सितंबर 1857 को, एक तरफ ठाकुर कुशाल सिंह था, ठाकुर कुशाल सिंह, और एक तरफ कैप्टन हीथकॉट, कैप्टन हीथकॉट प्लस ओनार सिंह पंवार मारा गया, सेकंड ग्रेड में प्रश्न पूछा गया ये, ओनार सिंह पंवार जो किसका सेनापति था, तो आप भी कमेंट करके बताएं, मैं जिसको पढ़ाता हूं उनको पता है कि ये कौन सा राजा है, उसी का सेनापति था। दो चीज़ मैंने बता रखी, अगर मारवाड़ वाली वीडियो देखें आपने तो आपको अपने शरीर से याद हो जाएंगे ये कौन सा राजा है, इतना बताने में आप उत्तर बता सकते हो, दूसरा ये कौन सा राजा है तो आप याद कर सकते हो। तो 8 से जुड़ी महत्वपूर्ण जो बातें मैंने आपको बता दी है, बाकी कम्युनिटी पोस्ट पर आपको लिखकर भी मैं सेंड कर दूंगा। दूसरी चीज़ जो वो जन्म है वो आप कमेंट करके बताएं भी, 8 मई को जो विश्व रेडक्रॉस दिवस होता है वो किसका जन्मदिन पर मनाया जाता है। और 8 से जुड़ी बातें इसमें मुख्य जो सहयोग करता रहे नारायण जी गुजर सर, ठीक है, सुनील जी सर रामानुजन से, और मेरे एक विद्यार्थी भी है अभिषेक, उन्होंने भी सहयोग किया, फर्स्ट ग्रेड व्याख्याता पद पर इंद्राज जी है, और मेरे दोस्त
रणवीर बन्ना उन्होंने भी सहयोग किया। तो हमने क्या है कि एक मिलजुल कर ये तैयार किया, भी आर्ट से जुड़ी बातें अपने इन विद्यार्थियों के हित में करें, इसको शेयर। अगर आपके पास भी ऐसी कोई बातें जुड़ी हुई हैं तो आप मुझे मैसेज करके आप बता सकते हैं, ताकि एक अच्छा वीडियो बनाया जा सके और सभी को एक साथ अपनी जानकारी दे सके। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना, और एक एक लाइक उस व्यक्ति के लिए ज़रूर कर देना जिसने मुझे ये कहा था कि मैं आपकी वीडियो अनलाइक कराऊंगा, तो आप ज़रूर करना दोस्तों।